हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ डेली वर्कशीट वर्कशीट नंबर 22 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स पिछली वर्कशीट की तरह ही इस वर्कशीट में भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन सीखेंगे और साथ में जैसे पिछली वर्कशीट में हमने पॉलीगंस के डायग्नल्स की बात की थी इस वर्कशीट में भी कुछ हम डायग्नल्स की बात ही करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी वी नो दैट द डायग्नल ऑफ अ पॉलीगन इज द लाइन सेगमेंट ऑप्टेन बाय ज्वाइनिंग अदर वर्टिसेस एक्सेप्ट इट्स टू एडजेसेंट वर्टिसेस देखिए हम जानते हैं कि पॉलीगन का डायग्नल हमें कैसे मिलता है जब हम पॉलीगन के एडजेसेंट वर्टिसेस को ना मिला के जो उसके अदर वर्टिसेस हैं यानी जो इररेगुलर वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन करते हैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू तो हमें पॉलीगन का डायग्नल मिल जाता है लेट अस नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्नल ऑफ़ द फिगर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स तो चलिए अब हम नीचे दी गई जो पॉलीगन की फिगर्स हैं उनको ध्यान से देखते हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आखिर उनमें क्या चीज़ है जैसे कि फर्स्ट फिगर आप देखेंगे तो ये है शेप ऑफ पॉलीगन फिर शेप ऑफ पॉलीगन विद डायग्नल इसके जो अगर हम डायग्नल्स देखें तो मैंने जैसे बताया था रेगुलर कौन से होते हैं वो ये वाले होते हैं एडजस्टेंट लेकिन हमने इसको नहीं मिलाया इससे तो हमें उसका आउटर फिगर मिलता है लेकिन जो उसके इर पॉइंट्स होते हैं वर्टसेज होते हैं अगर हम उनको मिला दें तो हमें डायगनल मिल जाता है ये एक डायगनल है जैसे ये और ये पॉइंट अगर इसको ज्वाइन कर दें ये भी डायग्नल है तो इस तरह से ये सारे डायग्नल हैं जो इसके अंदर हैं नौ सेकेंड फिगर सेकेंड फिगर इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन और इसके जो डायग्नल हैं एक डाइग्नल तो आपने देखा इसका इनर पॉइंट वाला और एक ये बाहर भी जॉइन हो रहा है ये भी डायगनल है देन थर्ड फिगर इज इज इट इज़ अ क्वारेटरल और ये एक ये एक पॉलीगन है और इसके डाइग्नल्स ये रहे लेकिन वो अंदर ही है फोर्थ शेप में अगर आप देखें तो इसके डायग्नल बाहर भी आ रहे हैं जैसे हमने इसको देखा लेकिन जो फिफ्थ फिगर है ये एक जो आप देख रहे हैं ना जो फिगर है इसमें डायग्नल्स आपको खुद से बनाने हैं तो लेट्स सी ताकि हमें भी पता चल जाए कि डायग्नल कैसे कैसे बनते हैं तो हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आप भी मेरे साथ कीजिएगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं इसको और इसको भी ज्वाइन किया जा सकता है इसको और इसको भी ज्वाइन किया जा सकता है किया जा सकता है ना अब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं देन इस पॉइंट को इस वर्ट इसको और इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम और भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे इसको ज्वाइन कर लीजिए या इसको ज्वाइन कर लीजिए है ना तो ये भी ज्वाइन किया जा सकता है हो तो सकता है ये बिल्कुल सही है तो ये सारे क्या आ रहे हैं इसके डाइग्नल्स आ रहे हैं है ना आप देखिए से भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो ठीक तो और भी अगर आपको लगता है कि जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं तो आप वो भी कीजिएगा तो लेकिन अब आप देखेंगे एक बारी नेक्स्ट फिगर देख लें नेक्स्ट फिगर क्या है नेक्स्ट फिगर भी आप देखिए ये जो फिगर है और इसके जो डाइग्नल्स हैं वो अंदर तो बन ही रहे हैं लेकिन बाहर भी बन रहे हैं तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ डाइग्नल्स फर्स्ट इज कन्वैक्स कॉन्वेक्स पॉलीगन देयर आर सम फिगर्स ऑफ पॉलीगन हुज डाइग्नल्स लाई इन द इंटीरियर दैट मीन्स इन साइड ऑफ द पॉलीगन सच पॉलीगन आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन लाइक फिगर वन थ्री एंड फाइव अगर आप वन थ्री और फाइव फिगर को देखें फिफ्थ फिगर को देखें वन थ्री एंड फिफ्थ फिगर इसके जो डायग्नल हैं आपने देखा कि वो सारे इंटरनली बन रहे हैं इंटीरियर में बन रहे हैं इनसाइड में बन रहे हैं उसके अंदर बन रहे हैं तो ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन याद रहेगा कि जिसके डायग्नल अंदर की तरफ बनते हैं तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है एंड द सेकेंड वन इज नाउ कॉन्केव पॉलीगन देयर आर सम अदर पॉलीगन ऑल्सो वेयर द डायग्नल ऑफ द पॉलीगन ऑल्सो पास थ्रू द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन वी कॉल सच अ क्वारिलेटरल एज अ कॉनकेव पॉलीगन लाइक फिगर टू फोर एंड सिक्स देखिए जो सेकेंड फिगर है फोर्थ फिगर है एंड सिक्स फिगर है आपने देखा होगा कि महसूस किया कि इसके जो डाइग्नस हैं वो एक्सटीरियर में भी ज्वाइन हो रहे हैं यानी उस फिगर के बाहर भी उनको ज्वाइन करके हमें डाइग्नस मिल रहे हैं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं कॉन्केव पॉलीगन तो जिसके डायगनल इनसाइड होते हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन और जिसके डायगनल्स बाहर भी होते हैं वो कॉनकेव पॉलीगन द लाइन सेगमेंट मार्ग विद ब्लू लाइन आर द डायगनल्स ऑफ पॉलीगन ये तो मैंने आपको समझाई दिया है वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई पॉलीगन इन अनादर वे अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेटरल और इक्वल साइड एंड इक्वेगुलर क्वल एंगल लाइक इक्वीलेटर ट्राइंगल स्क् रेगुलर पेंटागन रेगुलर हेक्सागन शो बिलो देखो जैसे कि आप इन फिगर्स को देख रहे हैं ना इनमें साइड्स क्या है इक्वल साइड्स हैं ठीक है साइड सारी क्या है इक्वल साइड्स हैं और वो इक्वी एंगुलर है यानी उसके एंगल भी सारे के सारे एंगल सेम है आप देख रहे हैं इन फिगर्स में तो अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी और उसके एंगल भी सारे इक्वल्स होंगे ठीक है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है सम साइड्स और सम एंगल्स कैन बी अनइक्वल और ऑल साइड्स आर एंगल्स और कैन बी अनइक्वल। यानी कहने का मतलब है उसकी जो कुछ साइड्स या कुछ एंगल अन हो सकते हैं या फिर सारे की सारी साइड और एंगल अनइक्वल हो सकते हैं जैसे कि ये फिगर्स हैं इसमें आप देखेंगे इनकी साइड्स भी अनईक्वल हैं और इनके बीच बनने वाले जो एंगल्स हैं वो भी अनईक्वल एंगल हैं सो so, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए ना क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज और आर आर कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन अब आपको बताना है इनमें से कॉन्केव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा है तो देखिए अगर हम देखें तो ये तो बाहर भी बन रहे हैं तो इसी से हमें पता चल जाता है ये कॉन्केव है कॉन्केव पॉलीगन ओ एल वाई जी ओ एन ठीक है इसके इनसाइड में ही बनेंगे यानी इंटीरियर में ही बन रहे हैं तो ये कौन सा हुआ ये कॉन्वेक्स हुआ कॉन्वेक्स पॉलीगन फिर इसका एक्सटीरियर में भी बन रहा है तो ये कौन सा हुआ कॉनकेव हुआ ठीक है कॉनकेव पॉलीगन और इसके अंदर ही बनेंगे जैसे कि ये वाला और ये वाला तो ये कौन सा हुआ कॉन्वेक्स हुआ ओके okay, इस तरह से हमें लिखना है नाउ सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज और आर रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन तो देखिए ये पहली वाली है ये तो इरेगुलर है क्यों इरेगुलर है क्योंकि इसके सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल तो है नहीं और इसके एंगल भी सारे इक्वल नहीं है तो ये क्या है इरेगुलर पॉलीगन है अब ये जो है ये दोनों तरीके से हो सकता है इसको हम रेगुलर भी कह सकते हैं इरेगुलर भी कह सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है इसकी साइड्स पर और इसके एंगल पर तो आप इसको दोनों लिख सकते हो कि ये रेगुलर भी हो सकता है और रेगुलर और इरेगुलर ये दोनों तरीके से हो सकता है दोनों ही हो सकता है ये इरेगुलर है क्योंकि आप देखोगे इसकी साइड्स भी इक्वल नहीं है और इसके एंगल भी इक्वल नहीं है और इसके अलावा ये देखो इसके एंगल भी सब इक्वल है तो ये क्या हुआ एक रेगुलर पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन ठीक है अब नाउ लेट्स ड्रॉ अब आपको ये जो चार फिगर्स हैं ये बनानी है इन मैं आपकी हेल्प के लिए वो फिगर्स आपको बने हुए दिखा रहा हूं आप उसको देख देख के बनाएंगे तो जैसे एन इरेगुलर पेंटागन विद इट्स डाइगनल फिर कंकेव हेक्सागन बनाना है, एक कॉन्वेक्स कॉर्डिलेटरल बनाना और एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है तो लेट्स सी दिस फिगर्स तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है एन इरेगुलर पेंटागन विद इट्स डायग्नल तो ये एक इरेगुलर पेंटागन है और उसके ये जो बीच में ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है ये इसके डायगनल हैं। तो इस तरह से आपको इसकी फिगर बनानी है दिस इज योर सेकेंड आंसर अ कॉन्केव हैक्सागन कॉन्केव कैसे है? देखिए जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो इसके डायग्नल हैं वो अंदर तो बन ही रहे हैं जैसे कि ये वाला या ये वाला या ये ये तो इंटीरियर में तो बन रहे हैं लेकिन इसके डायगनल बाहर एक्सटीरियर में भी बन रहे हैं ठीक है इस पॉइंट को मिलाएंगे इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अ कॉन्केव हेक्सागन फिर ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ये कॉन्वैक्स कैसे है क्योंकि इसके डाइग्नल्स कहाँ बन रहे हैं अंदर की तरफ ही बन रहे हैं बाहर इसका कोई डायग्नल नहीं है तो ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से ये बनेगा एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन अ रेगुलर अ रेगुलर हेक्सागन ठीक है ये एक रेगुलर हेक्सागन है आप देख रहे हैं इसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल है सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए बट रिमेंबर वैन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वीयर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच